हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा शावर रूटीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा होगा। मतलब ये वाले रूटीन को आप लोग आप वीकली फॉलो कर सकते हो। इससे स्किन हेल्दी रहेगी और क्लीन रहेगी और ये सबको अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले उठने के बाद, एक्चुअली मेरा ना उठने का मन नहीं कर रहा था, बट एनीवेज सबसे पहले उठ के यू नो ऑफकोर्स हम लोग बाथरूम में जाके टूथपेस्ट ही यूज़ करते हैं, जो कि मैंने अभी नया वाला लिया है। तो मैं एक बार पहले चेहरे को एक बार पानी से धुल लेती हूँ, जिससे कि आँख खुल सके, और उसके बाद में ब्रश कर लेती हूँ। एंड आपको तो पता ही है कि हाइजीन के लिए टंग क्लीनर का यूज़ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो इसको ऑफकोर्स सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद में मैं अभी क्या करती हूँ, मैं मुल्तानी मिट्टी को एज अ क्लेंजर यूज़ करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं करना है कि इसको फेस पैक की तरह यूज़ करना है। हाथ में पहले थोड़ा सा ले लो, उसमें वाटर ऐड करो और फिंगर से कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बना लो, मिक्स कर लो। अभी मैं क्या करती हूँ, इसके पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। फोरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे, नोज़ पे अच्छे से इसे लगा लिया। उसके बाद में रखना नहीं है 10-15 मिनट के लिए, बस तुरंत ही मसाज करते जाना है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन को क्लीन कर देती है। जो भी धूल गंदगी होगी वो निकल जाएगी, साथ में जो एक्सेस ऑयल होगा जो कि ऑयली स्किन पे होता ही है वो निकल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जो एक्ने को यू नो सही करने में हेल्प करती है और स्किन प्रॉब्लम्स को भी सही करती है, स्किन को ब्राइटन करती है। तो इसी वजह से मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग में इसी तरह से। और उसके बाद में बस अपने चेहरे को मैं तुरंत ही अच्छे से धुल लेती हूँ। और उसके बाद में मेरे कुछ स्टेप्स होते हैं, और इस तरह से चेहरे को धुलने के बाद में ना तुरंत चेहरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तभी मुझे ये यूज़ करना काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद में मैं थोड़ी सी बॉडी को मतलब वेट कर लेती हूँ, अपने हेड को थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, मतलब अपने हेयर को वेट कर लेती हूँ। और फिर मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, जो कि इस टाइम पर मैं बी ब्लेंड का यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे अच्छा लग रहा है ये। इसमें बहुत वराइटीज़ हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं शैम्पू, बट मुझे जो सही लगता है मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर लेती हूँ। अब फिलहाल ये ख़त्म हो गया था, मैंने थोड़ा सा बचा था, तो मैंने क्या किया था, इसमें पानी डाल दिया था बॉटल में, और फिर यू नो इस तरीके से ये निकल आता है। ये शैम्पू है, आपको पानी पानी लग रहा होगा, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शैम्पू रहता है। ऐसा कौन करता है मुझे बताना। मिडिल क्लास फैमिली की यार होती है आदत कि हम लोग इस तरह से करते हैं। मेक श्योर करना है कि शैम्पू जब भी आप लोग करो तो आप लोग स्कैल्प पे उसको लगाओ, क्योंकि गंदगी वहीं पे होती है और डैंड्रफ वहीं पे होता है, तो वहाँ से हमको उसको हटाना होता है। बस यार एक मिनट के लिए मैं कर लेती हूँ मसाज अपने हेड पे, और उसके बाद में शावर से अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। शैम्पू को कभी भी बालों के लेंथ पे नहीं लगाना, जो कि अब मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, उसके बाद में बस मैं कंडीशनर अप्लाई कर लेती हूँ या फिर कभी कभार मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली भी जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं वो बी ब्लेंड के, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आपको मानो तो आप ले लेना, नहीं मानो तो मत लेना। मेरे पास, मैं इसलिए ब्रांड मतलब प्रोडक्ट दिखा भी नहीं रही हूँ आपको। और मैंने भी मास्क यूज़ करना हेयर पे स्टार्ट कर दिया है पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि मेरे हेयर भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई और फ्रीज हो गए थे, और उसके लिए करना ज़रूरी है। आप चाहो तो आप कोई मार्केट वाला या फिर घर पर बना के भी यू नो हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ ज़रूरी होता है जिससे कि हमारे बाल अच्छे रहें। इसके बाद में मैं थोड़ा सा शावर जेल अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, लूफा पे डालती हूँ, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से इससे स्क्रब कर लेती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी बॉडी पे वो नेचुरल स्क्रब यूज़ किया था, तो इस वजह से अभी मैं स्क्रब अपनी बॉडी पे यूज़ नहीं करी, एक्सफोलिएट नहीं करी, क्योंकि ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। इसके बाद में मैं शेव करने वाली हूँ, इस वजह से थोड़ा सा स्किन की गंदगी को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से मैं लूफा से अच्छी तरह से अपने स्किन को यू नो एक तरीके से कह सकते हो कि एक्सफोलिएट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं वो भी स्किन की गंदगी को निकाल देता है। बस स्किन को उसके बाद में मैं धुल लेती हूँ, और अभी मेरे स्किन पे आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे हेयर है, बट उतने भी मुझे नहीं अच्छे लगते अभी कि मेरे स्किन पे हेयर हो, तो उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ, जो कि मैं 10-15 दिन पे या फिर वीकली करती हूँ, जैसे कहीं जाना हुआ तो यू नो उसके हिसाब से। और स्किन को क्लीन करने के बाद में बस क्या करना है, थोड़ा सा कंडीशनर आप अप्लाई कर लो या फिर बॉडी वॉश जो भी आपके पास में हो, आप क्या करो अपने स्किन पे उसको अच्छी तरह से लगा लो, है ना, अपने स्किन पे उसको अच्छी तरीके से फैला लो, ठीक है। आपके स्किन उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जो हेयर होंगे आपके स्किन के वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जब आप रेजर का यूज़ करोगे तो इजीली आपके हेयर रिमूव हो पाएंगे। मुझे ये वाला प्रोसेस ही सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड इजी लगता है बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। मतलब अगर आप सही सारी चीज़ों का ध्यान दे के इसको फॉलो करोगे ना, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं इसको अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ करती हूँ, एंड टच वुड मुझे कभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ और
यू नो तभी सारी चीज़ें वैसी होती है, मतलब कि मुझे कुछ भी हार्म नहीं करता है स्किन को, क्योंकि रेज़र वगैरह रेज़र जो भी आप यूज़ करते हो वो क्लीन होना चाहिए, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, वो कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम मतलब रेज़र को चेंज करते रहना चाहिए, उसके बाद में स्किन केयर फॉलो करना चाहिए जिससे कि स्किन यू नो थोड़ी सी सॉफ्ट रहे, सही रहे, सेफ रहे, तो वो सारी चीज़ें हमको करनी होती है तभी रेज़र से अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस अपनी पूरी बॉडी की हेयर को रिमूव करने के बाद में मैं नहा लेती हूँ, फिर से अपनी बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इतना जब मैं करती हूँ ना सब तो लगभग 7-8 मिनट तो हो ही जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट हो जाते तो उतनी देर हेयर वॉश लगा रहता है, तो वही मतलब उतना ही सफिशेंट होता है हमारे हेयर के लिए। और उसके बाद ही बस अपने हेयर को और अपनी स्किन को अच्छी तरह से हमको क्लीन कर लेना है। देखो जब भी आप नहाते हो ना तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अपने बॉडी पार्ट्स को यू नो हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो गंदे बिल्कुल भी ना हो, आप अनहाइजीनिक ना लगो। जैसे कि आप जिसे भी अपने स्किन को पोंछते हो, मैं तो कॉटन का कपड़ा यूज़ करती हूँ, आपको उसको वेट करना है, अपने बेली बटन को और अपनी ईयर्स को उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, क्योंकि डेली वहाँ पर गंदगी चली जाती है, कान के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना वहाँ पर स्पेशली आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और कॉटन के कपड़े से जब आप पोंछोगे ना स्किन को, जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। और इस तरीके से बस मैं नहा लेती हूँ और इसी तरह से यू नो मेरा शावर का जो टाइम होता है वो इस तरीके से बीतता है। वैसे ये एक ही दिन पे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेरा सिर्फ यही शावर रूटीन है, और भी अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कभी कुछ फॉलो कर लिया कभी कुछ, तो अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बस नहाने के बाद भी थोड़ा सा स्किन केयर और हेयर केयर भी फॉलो कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि मैं हेयर पे मेरा हेयर सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। मैं देखो ऐसा हेयर सीरम यूज़ करना पसंद करती हूँ जिसको मैं स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकूँ, जैसे कि डैंड्रफ वगैरह ना हो, उसको लगा लेती हूँ एंड अपनी बॉडी पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र भर भर के लगा लेती हूँ, सनस्क्रीन लगाना होता है तो वो अप्लाई कर लेती हूँ। और उसके बाद में देखो हाथ कितने ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं ना, अभी शेव भी किया है और उसके बाद में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, तो देखो आपको शाइन अलग ही दिखता है स्किन पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से मुझे हेयर नहीं अच्छे लगते मेरे स्किन पे। इसको अप्लाई कर लिया, फिर नेल्स पे मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास में क्रिटिकल ऑयल आप उसको लगा लो, नहीं है तो रहने दो, आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लो या फिर आमंड ऑयल ले लो और उसको नेल्स के पास पे फिंगर्स पे अप्लाई कर लो, जैसे कि जो आपके हाथ है ना, आपके फिंगर्स है, आपके नेल्स हैं, उस पर भी थोड़ा सा यू नो शाइन है और वो थोड़े से सॉफ्ट लगे, और हाथ मुझे खूबसूरत काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हाथों को और अच्छा करने के लिए मैं कभी कभार मेरा कोई फेवरेट नेल कलर अप्लाई कर लेती हूँ, जो आपको भी पसंद आता है। तो बस यही था मेरा शावर रूटीन, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, लव यू।